कृष्णा लक्ष्मी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए त्योहारों का टाइम है, आजकल स्नैक्स आइटम बना के दिखाऊंगी मैं आपको। देखिए ये 250 ग्राम मैदा है और ये एक बड़ा चम्मच सूजी है और देखिए ये इलायची पाउडर है और ये मैंने चीनी का बूरा बना लिया है। अगर आपके पास बूरा है तो आप बूरा भी डाल सकते हैं। देखिए ये 50 ग्राम के करीब मैंने इसमें बूरा डाला है और मोमन के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं मूंगफली का पीनट ऑयल ले रही हूँ, देखिए 2 बड़े चम्मच। देखिए आप देसी घी भी डाल सकते हैं, वनस्पति ऑयल भी डाल सकते हैं। ये सबको अच्छे से मिला के अच्छे से मिला के इसको हम टाइट डो इसका लगाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, देखिए अभी मैं आपको डो लगा के दिखाती हूँ। देखिए देखिए डो मेरा बन के तैयार हो गया है। इसमें हल्का सा ऑयल लगाया मैंने, हाथ लगा के इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के रखूंगी जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए देखिए डो मेरा तैयार हो गया है, मैंने इसको थोड़ा सा डाल के अच्छे से मल लिया है इसको। देखिए इसके मैं 4 पार्ट कर रही हूँ। देखिए 2 को मैं ढक के रखूंगी और 1 को मैं आपको बेल के और काट के दिखाती हूँ। देखिए बहुत आराम से बनते हैं, बहुत फटाफट। देखिए देखिए इसको मैंने इस तरीके से बेल के तैयार कर लिया। इसकी थिकनेस देखिए ये रहेगी, ये थोड़े मोटे ही बनते हैं। देखिए अब इस तरीके से इसको ये सेब काट के, देखिए यही सेब चलती है इसमें और कोई नहीं अच्छी लगेगी। देखिए छोटा बड़ा आपकी मर्जी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से काट के सभी को मैं एक प्लेट में निकाल के और बाकी सभी काट के आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए देखिए ऑयल मेरा गरम हो गया है और सारे शक्कर पारे मैंने काट के तैयार। गरम ऑयल करने के बाद मैं इसको थोड़ा स्लो करूँगी और देखिए इस तरीके से ज़्यादा तेज पे नहीं सेकेंगे और इस तरीके से डालते जाएंगे। देखिए बहुत बढ़िया बन के तैयार होते हैं, देखिए फटाफट बनते हैं और खाने में तो रहे ही लाजवाब। देखिए इस तरीके से एक एक डालते रहिए, जितने कढ़ाई में आएंगे जब तक नीचे तक के नहीं सिकेंगे इतने हम इसमें पानी नहीं लगाएंगे। देखिए देखिए नीचे से सिक गए हैं, अब इसको इस तरीके से हम ज़्यादा गैस तेज नहीं रखेंगे, मीडियम स्लो गैस पे इस तरीके से तलेंगे। देखिए ये 2 तरीके से बनाए जाते हैं, चाशनी चढ़ाई जाती है एक इस तरीके से बूरा डाल के। देखिए दोनों ही बहुत लाजवाब लगते हैं। देखिए इस तरीके से सेकेंगे और गैस को तेज नहीं करेंगे, सेक के मैं आपको जब निकालूंगी तो दिखाऊंगी। देखिए बहुत ही बढ़िया सिक्के तैयार हो गए। देखिए शक्कर पारे मेरे सिक्के तैयार हो गए, देखिए ये कलर आना चाहिए, सिक्के तैयार हो गए हैं। देखिए अब इस तरीके से मैं इसको पानी को टेढ़ा करिए और सारा ऑयल निकल जाता है। देखिए इस तरीके से फिर मैं देखिए आपको दूसरा घान एक एक छोड़ती जाइए और गैस को आप स्लो ही रखें, नहीं तो ये बीच से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से सिक जाएंगे। देखिए इस तरीके से सारे सेक के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दूसरा बैच भी मेरा सिक्के तैयार हो गया। देखिए इसको निकालूंगी मैं और मैं आपको सारे सेकने के बाद और आपको मैं इस तरीके से छोड़ते जाइए। देखिए फटाफट फटाफट स्लो गैस पे ही सेकें, तेज ना करें, तेज पे कच्चे रहने का चांस रहते हैं इसमें। देखिए अब मैं आपको सीधा प्लेट
प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। ये शक्करपारे बनके फटाफट तैयार हो गए। ये दो तरीके से बनते हैं, कि ये तरीका है रेसो जो मैंने बताया वो ही करें, अगर ज़्यादा इसमें बूरा डाल दिया तो ये फटने के चांस रहते हैं और कढ़ाई में चिपकने के चांस रहते हैं। इस यही रेसो डालिए और एक ये प्लेन बना के इसको चाशनी इसके ऊपर चढ़ाई जाती है। दो तरीके से बनते हैं, देखिए बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया खस्ता करारे बनके तैयार हुए हैं। आप भी बनाइए, त्योहार का सीजन है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। देखिए आप भी बनाइए और शेयर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। देखिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।